मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट. तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते हैं छोड़ ना तो इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी यू नो, उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी. तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था. और रही बात मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है, विशाल ने डे वन से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ. आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ. एक सेकंड, किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, रणबीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है. पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है, उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत है. एक सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना. और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट मेरा भेद खुल गया. उसने ये भी बोला मुझे, आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए. अब मैं साई को बोल रही हूँ कि साई तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणबीर जी के कान में साई के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ. रणबीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना साई यही सोचेगा ना कि गलत था. आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है. तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूंगा आपके वजह से पूरा रायता फैला, और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपके जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो. भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई, हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है. पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा है, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है पागल है क्या. और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी. जब पायल भाभी आई थी मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कन्फर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं. देखो भाई यहाँ पे जो बात होती है ना, चार दिन पहले की वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है. भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी था. आप मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है, तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा, उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था. जब मेरे को कोई बोले ऑब्वियसली बात है, किसी की बात के एक्सक्यूज नहीं. जब बाहर से जब कोई बोल रहा है उसके बाद अंदर का कंफर्म कर रहा है, तो मैम ये तो अलग हो ही नहीं सकता ना. मैडम कंफर्म हो गया, वो सामने से खुद बोल रहा है मुझसे गलती हुई या फिर चीजों को बोल रहा है, और उस टाइम फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है. जो वर्ड बोला पूरा एग्जैक्ट गलत सेंटेंस था, आई मीन पायल ने जो सेंटेंस बोले वो गलत थे. देखिए सर, वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूंगी, वो चीज़ें जरूर देखूंगी, पर आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना. ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है. मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी. मेरा जो सबके साथ था वो सबके साथ सेम रिएक्शन था. और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो, मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर. आज से चार दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और चार दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे, डिबेट वाली बात. उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ किसके साथ मत बैठ, यहाँ तक कि हम एक बेड पे सोते हैं वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर. अब नहीं सर, अभी बोला है, जब ये डिबेट हुई है ना, जिस दिन राशन वाला टास्क था उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें करे, तब भी इन्होंने मुझे किचन में बोली थी बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है. अभी तीन दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं. लिपिका या अरमान, यू भी आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है, और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे. मैडम कुछ रिश्ते वो ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होता, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, अब बार बार सफाई नहीं दे सकता. और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं, मेरा नाम संदीप मलिक है, और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है. तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कन्फर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है, पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी. वो चीज़ें किसी को नहीं पता, क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, दो चार एक दो घंटे में हम नहीं सुना सकते, उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है. पर आप सही चल रहा है, पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे हैं तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा.